हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा। और व्यूअर्स, इस तरह लग रहा है कि पाकिस्तान से को हर तरफ से जो है वो मुकाबला ही मुकाबला करना पड़ रहा है, और वो ये मुकाबला करना पड़ रहा है कि एक तरफ तो चाइनीज हम पे बड़े नाराज हुए पड़े हैं कि आज वजीर आजम ने ये कहा है कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं वो जाएंगे चीन और चीनी कियादत को ऑन बोर्ड लेंगे, उनको कन्विंस करेंगे और उनको बताएंगे कि हमारे किस तरह के सिक्योरिटी डिजाइन हैं चाइनीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। ऑब्वियसली एक बड़ा ये भी चैलेंज है कि चीनी हमसे थोड़े नाराज लग रहे हैं। चीनी प्राइम मिनिस्टर का फोन आया है, चाइनीज आई थिंक जो इंटीरियर सिक्योरिटी के जो लोग उनको देखते हैं उनके फोन आए हैं। उनकी 15 रुकनी टीम पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है, जो दासू में जो हुआ था, हमला हुआ था चाइनीज और पाकिस्तानियों पर, उसको देखने के लिए। उधर अफगानिस्तान में ने भी हमारे ऊपर इल्जाम लगा दिए हैं, और जो अफगानिस्तान ने इल्जाम लगाए हैं वो बड़े संगीन इल्जाम लगे। ताशकंद में, जहाँ पे सारी दुनिया की लीडरशिप इकट्ठी हुई हुई थी, और वहां पे उन्होंने जो अशरफ गनी साहब ने कहा जी कि पाकिस्तान नेगेटिव रोल इन द अफगान पीस प्रोसेस इज एक्स, तो ये है। और उन्होंने पाकिस्तान को कह दिया कि जी आप सारे मसले की जड़ हैं। उधर से इमरान खान साहब ने वहां पे जो कॉन्फ्रेंस बेसिकली सेंट्रल एंड साउथ एशियन रीजनल कनेक्टिविटी की चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज हो रही थी उज़्बेकिस्तान में, उस पे उन्होंने कहा कि भाई आप अशरफ गनी साहब आप हम पे इल्जाम लगा रहे हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी तो चीन में अफगानिस्तान में पिछले इतने सालों से कुछ कर नहीं सकी। जब 1.5 लाख फौज बैठी हुई थी नेटो की, वो चीजें ठीक नहीं कर सके, तो आप हमें क्यों इल्जाम दे रहे हैं। और ये बात जारी बात है, एक मुनासिब बात है, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर प्रॉब्लम ये है कि अफगानी ये समझते हैं कि पाकिस्तान इज द वन हु क्रिएटेड तालिबान। पाकिस्तान ने क्योंकि तालिबान क्रिएट किए थे, पाकिस्तान ने बेसिकली अमेरिका की हमायत की और सारा कुछ किया और ये सारे तालिबान बने। ना ये तालिबान होते, ना इनसे लड़ना पड़ता, तो दिस इज द बेसिस ऑफ द आर्गूमेंट। लेकिन अब पाकिस्तान ये कहता है कि ये हमने अकेले तो नहीं बनाया, ये तो अमेरिका भी साथ था, इसमें तो सऊदीज भी थे, इसमें तो सारी इस्लामिक वर्ल्ड थी, तो उस वक्त हम लोगों ने सारे ये बनाए। तो आज इस सिचुएशन के अंदर जब पाकिस्तान ने, अब तो पाकिस्तान जो है वो उनको क्रिएट करने में या उनकी अब की क्रिएशन में हमारा कोई कसूर नहीं है, हम माजी में जो हुआ वो हुआ, उसको हम मानते हैं ये चीजें हुई, और उसमें सिर्फ पाकिस्तान का कसूर तो नहीं है, उसमें तो सबका कसूर है, तो फिर उसमें हमें क्यों इल्जाम किया जाता है। क्योंकि पाकिस्तान इज एन इजी टू स्केप गोट, हमें ज्यादा आसान है इल्जाम लगाना, और अमेरिका को ज्यादा मुश्किल है इल्जाम लगाना कि भाई आप माजी में ये ना क्रिएट करते तो आज ना होता। पाकिस्तान में हर तरफ से चैलेंजेस ही चैलेंजेस हैं। ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। अगर आपको याद हो, जो कुलभूषण यादव एपिसोड था, उसमें हमने बेसिकली इल्जाम ही ईरान पे लगाया था। जब ईरानी सदर पाकिस्तान बैठे हुए थे, तो हमारे उस वक्त के जो DGISPR, जिन्होंने कह दिया था कि जनाब ये जो बंदा है, जो इंडियन है, ये वाया ईरान पाकिस्तान जो है वो आया है, और यहाँ पे बिजनेस एंड ऑल दैट। अब इंडिया के साथ हमारे मामला पहले ही खराब है, चीन भी नाराज हुआ पड़ा है कि भाई आप लोग हमारी सिक्योरिटी को नहीं देख रहे। पाकिस्तान ने अफगान पीस कॉन्फ्रेंस जो करनी थी उसको उन्होंने पोस्टपोन कर दिया है। सो एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए मसला जो है वो बन चुका है इस वक्त, बहुत बड़ा मसला है। अब देखें कि पाकिस्तान चीन के ताल्लुकात बहुत अच्छे होंगे, लेकिन इन जो ये चीनियों की जो मवात हुई है, उसका नुकसान ये हुआ है कि हमें इतनी हीट फील हुई है कि हमारी गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि हम अपनी लीडरशिप को, अपने फॉरेन मिनिस्टर को चीन भेजेंगे। तो आप अंदाजा लगा लें कि कितना मुश्किल है या कितनी पाकिस्तान के ऊपर टेंशन हैं। अब एक तरफ पाकिस्तान ये भी कहता है कि जी हम तालिबान को होस्ट कर रहे हैं, उनकी बहुत हजारों फैमिली हमारे पास मौजूद हैं, और हम तालिबान जो है उनकी फैमिलीज पाकिस्तान में रहती हैं, तालिबान के हक में पाकिस्तान में जलसे जुलूस निकल रहे हैं। रिसेंटली तो एक वीडियो भी आई थी जिसमें ये पता चला उस वीडियो में कि बहुत सारे जो तालिबान हैं उनका इलाज हो रहा है बलूचिस्तान के अंदर, और वो मेरा ख्याल है चमन या समवेयर अराउंड दिस एक जगह थी जहाँ पे ये इलाज
हुआ या हो रहा था। चमन एक पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर है जिसमें तालिबान जख्मी होकर आए और उनको वो किया। तो अब ऑब्वियसली ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन है कि अब पाकिस्तानी हुकूमत को चाइना की तरफ से भी प्रेशर आ रहा है, पाकिस्तान को हुकूमत की अफगानिस्तान की तरफ से भी प्रेशर आ रहा है। तालिबान एक हकीकत है, हम तालिबान के साथ जिन्होंने जो लग रहा है कि पावर में आ रहे हैं, जिनसे इंडिया भी बात कर रहा है, जिनसे अमेरिका भी बात कर रहा है, जिनसे रूस भी बात कर रहा है, ईरान भी कर रहा है, चाइनीज भी कर रहे हैं, तो हालात तो इस तरह के बनते जा रहे हैं कि पाकिस्तान अब क्या करे और किस तरफ जाए। अगर आप तालिबान को सपोर्ट करते हैं तो अफगानी आपको नाराज होते हैं, वो कहते हैं भैया आप क्यों कर रहे हो। अगर तालिबान पाकिस्तान में इन्फ्लुएंस होते हैं और वो किस तरह होते हैं, अगर तालिबान अफगानिस्तान में पावर हाथ में आते हैं तो जो ये पाकिस्तान में जो मजहबी ग्रुप्स हैं वो एम्पावर हो जाते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर के। और ये जो रिसेंटली गिलगित बल्तिस्तान में हमने देखा, फिर अभी भी ये एक कंसेंसस है कि अगर पाकिस्तान जो है उसने जो तालिबान को एक्सेप्ट किया या तालिबान का इक्तदार हुआ तो पाकिस्तान के अंदर मजहबी जमातों जो है उनका असर वसूख बढ़ जाएगा। और अगर उनका जो असर वसूख बढ़ेगा यहाँ पे, उससे फिर आप इमेजिन कर सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए जो दाएं बाजू की मजहबी सियासी जमातें हैं वो अपने इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगर उन्होंने कब्जा कर लिया तालिबान ने, तो यहाँ पे जो मौलवी हैं वो कहेंगे जी भाई ठीक है, अब क्योंकि शरिया बेस्ड निज़ाम वहाँ पे है तो शरिया बेस्ड निज़ाम यहाँ पे होना चाहिए। और अगर सियासी तौर पे ये ना भी जीत सके, लेकिन सोसाइटी के अंदर एक नई लहर आ जाएगी, और वो जो नई लहर आएगी वो पाकिस्तानी मुआशरे के लिए अच्छी नहीं है। और फिर उसको किस तरह सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो पाकिस्तान के जो मुतवाजन सियासी जमातें हैं जिनमें PMLN है या PTI है, जो कि थोड़ी डेमोक्रेसी की भी बात करते हैं, थोड़ी प्रोग्रेसिव भी हैं, उनके लिए चैलेंज बढ़ जाता है कि उनको फिर दाएं बाजू की मजहबी सियासी जमातों के नारों को अडॉप्ट करना पड़ता है। सो आप इसके इमेजिन कर सकते हैं कि पाकिस्तान पे इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली जब ये TLP का वाकया हुआ पाकिस्तान में, तो अभी मैं देख रहा था कि जो कश्मीर के अंदर नारे लग रहे हैं, PMLN मरियम नवाज शरीफ के जलसों में नारे लग रहे हैं, तहरीके वो नारे लग रहे हैं जो तहरीके लबैक पाकिस्तान नारे लगाती थी अपने जलसे जुलूसों में, वो नारे वो लगा रहे हैं। सो इसमें एक पाकिस्तान के अंदर एक नई बहस भी शुरू हो जानी है। तालिबान समझते हैं कि हम बेहतर अंदाज से हुकूमत चला सकते हैं, हमें चाइना का भी प्रेशर है, हमें अफगानिस्तान का भी प्रेशर है, पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ होने वाली है, और वो तोड़ फोड़ ऑब्वियसली इस तरह की होगी कि हमारे लिए मुश्किलें होंगी। जिस तरह के पाकिस्तान के जो कबायली इलाके हैं वहाँ पर खवातीन को ये कहा गया है कि वो अपनी बुरके पहन के घरों से बाहर आए, और उनको ये भी कहा गया है कि वो बैन, वो जो खवातीन है वो मार्केट विजिट ना करें। ये ट्राइबल एरियाज की बात बता रहा हूँ, एंड आई एम टॉकिंग ऑफ टुडे। खुरम जो एजेंसी थी सबका उसमें ये है, लेकिन हुकूमत कहती है कि नहीं, वहां पर जो डिप्टी कमिश्नर, उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसे थ्रेट्स आए हैं लोग अब क्यों करके जो है वो दुपट्टे, खवातीन को कहा जा रहा है कि या तो आप बुरका पहन के आओ, वो टोपी वाला बुरका पहन के आओ, या फिर आप घरों से बाहर ही ना निकलो। तो ये जो अफगानिस्तान में हो रहा है इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे बहुत ज्यादा होगा, और लेकिन अगर वो इम्पैक्ट पाकिस्तान पे होता है तो याद रखिएगा पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर इतनी ताकत और सकत मौजूद है कि वो जो भी दाएं बाजू की मजहबी रुझानात अफगानिस्तान में आएंगे उनका ऑटोमेटिक असर पाकिस्तान पे होगा। सो मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद आइंदा आने वाले दिनों में, आइंदा आने वाले कुछ वक्तों में मजहबी सियासी तबके जो हैं वो थोड़े ताकतवर हो सकते हैं, और अगर वो ताकतवर होते हैं तो ये अफगानिस्तान पाकिस्तान ये दोबारा इस्लामिक वो जो मजहबी सियासी ग्रुप्स हैं शायद उनके नरगे में ना चला जाए। ये एक मेरा ख्याल है एक असेसमेंट होनी चाहिए, बड़ी क्लियर असेसमेंट होनी चाहिए। और जो अफगानिस्तान ब्लेम कर रहा है उनका ब्लेम मेरे ख्याल से आधा ठीक है और आधा गलत है। आधा ठीक ये है कि माजी में ठीक कह रहे हैं, आज पाकिस्तान जो है वो दिस वांट के अफगानिस्तान में अमन हो, अगर क्योंकि अफगानिस्तान में अमन नहीं होता तो हमारे घर बहुत तबाह होंगे यहाँ पे।
हमारी यहाँ पे प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होंगी, अमेरिका हमें उसी तरह छोड़ के जा रहा है, अमेरिका हमारे साथ वही कर रहा है जो अमेरिका ने 89 में हमारे साथ किया था। सो व्यूअर्स, दिस इज अ वेरी सीरियस मोमेंट ऑफ कंसर्न। पाकिस्तान का मीडिया जो है वो सारा टाइम अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन को कवर कर रहा है, अमूमन ये सारे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे बात कर रहे होते हैं, लेकिन अभी ये बात कर रहे हैं कि अफगानी हम पे इल्जाम लगा रहे हैं, चीनी हमसे खफा हैं, और हम लोग जो हैं वो चीनी को खुश करने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं, हमने उन लोगों को सिक्योरिटी देनी है और देनी भी चाहिए, लेकिन अफगानी जो है वो एक गैर जरूरी तौर पे हम पे प्रेशर डाल रहे हैं। लेट्स सी कि क्या होता है और चीजें किस तरह अनफोल्ड होती हैं फ्यूचर में। बट ये जो अफगानिस्तान का ब्लेम है और जो आइंदा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात हैं उसमें कम्प्लीटली गैर यकीनी सूरत हाल है, अनसर्टेनिटी है, जिसकी वजह से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात जो हैं वो बिल्कुल इस वक्त समझ लें कि एक लोएस्ट एप पे पहुंचे।